हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आजकल एक जबरदस्त चैलेंज चला हुआ है। आज जब मैं डाउट सेशन में बैठता हूं तो आप में से मतलब कई बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कई सारे बच्चे जो एक ही कॉमन चीज उनके तरफ से मेरे पास आता है कि सर कैसे पढ़ाई करूं, बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ता हूं टाइम गुजर जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे समय गुजर गया, रोज कसम खाता हूं कि कल पढ़ाई करूंगा पर कल भी पढ़ाई नहीं कर पाता और बैठे बैठे समय गुजर जाता है, सर इसका क्या करूं? मेरे बच्चे, मैं आप प्लीज मेरी बात को बुरा नहीं मानना, आप में से जितने सारे बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे लगता है ना कि आपके पास आज लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना मतलब लाजमी है। आपका दिमाग, सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको लगता है कि आपको मिल चुका है, आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, आपको अब कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट रही नहीं है, या फिर आपके पास ये कोर्स नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं जी, कोई और कोर्स कर लूँगा, या फिर क्या टेंशन लेना जी लाइफ के अंदर में, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, आराम से करेंगे, ऐसे चीज़ें आपके साथ आ सकती है और शायद इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जब आपके जैसा था, जब मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि आप मेहनत करो और मेहनत करके डिग्री को कम्प्लीट करो और अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। या तो आपकी डिग्री कम्प्लीट होगी, आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, या फिर आप बिल्कुल, आपका नामो निशान मिट जाएगा। मैं अपने समय की बात कर रहा हूं, मैं चाह कर भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। मेरे बच्चे ऑप्शन ही नहीं थे मेरे पास, बिजनेस कर नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी मेरे पास। मैं बहुत 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 गरीब घर से बिलोंग करता था जहां पे पैसे बिजनेस के लिए क्या, पढ़ने के लिए नहीं होते थे, तो बिजनेस क्या, अपने पैर पे ही खड़ा होना था, अपने खर्चे को चलाना था, अपनी पढ़ाई करनी थी, अपने सपने पूरे करने थे, माँ बाप का आशीर्वाद सिर्फ अपने साथ था और कोई दूसरा हेल्प नहीं था, सरकमस्टांसेस जैसे थे। मैंने किया अपने काम को, मैंने मेहनत की, मेरे पास ऑप्शंस डिस्ट्रैक्ट करने वाले मेरे पास आ भी नहीं पाए क्योंकि मुझे पता था मेरी मंजिल क्या है, मुझे क्या पाना है। मेरे बच्चों, अगर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी चीजें आपको हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी टीचर का, किसी भी इंसान का मोटिवेशन का लेक्चर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं लिखकर आपको देने को तैयार हूं जब तक कि आपके अंदर से आपकी आत्मा ये बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ आपको पढ़ना होगा, आपकी लाइफ, आपका मंजिल जो है इसके सिवाय कहीं आपका खत्म नहीं होता, आपको पढ़ाई करना होगा, अपने चीजों को मतलब कि जो आपका अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करना पड़ेगा। बहुत दुख होता है मेरे बच्चे, आप में से कई सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं आजकल के दुनिया के इतने सारे डिस्ट्रैक्शन में पढ़कर, इतने सारे ऑप्शन से पढ़ के आप अपनी लाइफ को खराब कर देते हैं। अगली बार डिग्री कर लेंगे, अगली बार अटेम्प्ट दे देंगे, ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आ चुकी है। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, बट इसमें से मैक्सिमम बच्चे सर इस बार नहीं अगली बार अटेम्प्ट दे देंगे। क्यों अटेम्प्ट दे देंगे अगली बार? क्यों आप अटेम्प्ट दे देंगे इस बार? क्यों नहीं करेंगे आप प्लान वे में काम? क्यों नहीं करेंगे? क्यों लाइफ को आप इतनी सीरियसली नहीं लेंगे? अरे मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप इंजॉय करो ना लाइफ को, इंजॉय करो ना, लेकिन आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, बिलीव करो जब तक ये प्रोफेशनल डिग्री आपके साथ नहीं जुड़ेगी मेरे बच्चे, कोई स्कोप नहीं है। मेरे पास अगर मेरे पास पैसे होते ना उस टाइम पे जब मैं छोटा बच्चा था तो बिजनेस में भी जा सकता था, लेकिन पैसे भी नहीं थे, कहां से बिजनेस करता। इन शॉर्ट मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था अपनी डिग्री को पाना और फिर अपने लाइफ को सही तरीके से बढ़ाना। मैंने वो किया मेरे बच्चे, जो आज मेरे जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सोसाइटी है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे इस बात के लिए जानते हैं। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो, जो डेट, जो आपने डेडलाइन फिक्स किया हुआ है उस डेडलाइन पे अपनी चीज़ों को पूरा करो आप, बस इतना कहना चाहता हूँ। डिस्ट्रैक्ट काहे का होना जी, काहे का होना, लाइफ एक छोटी सी लाइफ है, कम समय आपके पास है, इस कम समय में बहुत कुछ आपको पाना है,
कैसे कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा जो सीरियस है अपने लाइफ को लेकर, अपने गोल को लेकर, वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैसे कोई उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, कैसे उसको उसके माइंड को मोल्ड करके कहीं और आपका मूव कर देगा, मुझे तो नहीं लगता। और आप में से कई सारे बच्चे जो सही दौड़ लगा रहे हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहे हैं, जिनको डिस्ट्रैक्शन कहीं कोई वर्ड ही नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो लाइफ बहुत आगे निकाल चुके हैं, बाकी बच्चे उनको देख रहे हैं और आप देखते ही रहोगे और वो कहीं और आगे निकल जाएंगे। आप प्लीज़ उस दौड़ में जाओ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रोफेशनल बच्चे हैं, हम CA CMA CS कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पहुँचना होगा मेरे बच्चे। CA CMA CSE क्यों, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 11th 12th क्लास का हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, आपको डिस्ट्रैक्शन वर्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। और बिलीव कीजिए, इसमें कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता, इसका कोई मंत्र नहीं है। आप डिसाइड करें कि कैसे आप इसको इस पर ओवरकम करेंगे और एक अच्छे बच्चे के रूप में एक अच्छे लाइफ को अपना संवारेंगे। आप सबको बाय बाय बच्चे, थैंक यू जी। हे देयर, दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम ऋषभ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द सीएमए फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। वेरी थैंकफुल टू संतोष सर, इज रियली अ वेरी नाइस टीचर। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, लाइव क्लासेस में बैठे। थैंक्स टू सीओसी माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर।